बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। मुझे नहीं लगता कि ये लाइन सासाराम निवासियों के जहन से अभी उतरा भी होगा, क्योंकि सासाराम के नगर निगम होने के घोषणा होने के बाद ही पूरे शहर में पोस्टर के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। और अंततः लोगों ने उस संदेश को गंभीरता से लिया और नगर निगम के चुनाव में काजल कुमारी को मेयर बना दिया। लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने के संदेश के साथ एक और संदेश नगरवासियों को पोस्टर के माध्यम से दिया गया कि आपने बदल दिया सासाराम, मतलब ये कि अब आपकी जिम्मेवारी वो खत्म हो जाती है और सारा दारोमदार नव निर्वाचित मेयर के कंधों पर। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। मेयर साहिबा ने नगर निगम कार्यालय आना जाना शुरू कर दिया, खेल भी शुरू हो गया, सशक्त स्थायी समिति का गठन भी हो गया। मामला यही नहीं थमा और एक फोन नंबर नगरवासियों के लिए जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि अगर कोई भी कर्मचारी नगर निगम कार्यालय में आपसे पैसा मांगता है तो आप उसकी शिकायत सीधे मेयर द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं, जिस पर त्वरित एक्शन की जिम्मेवारी मेयर की होगी। खैर, कोई मामला हमारे सामने ऐसा नहीं आया जिसमें किसी नागरिक से कोई घूस मांग का डिमांड किया हो और किसी ने उस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत किया हो और मेयर साहिबा या उसके प्रतिनिधि को इस पर एक्शन लेने की जरूरत आन पड़ी हो। सत्य प्रकाश शर्मा को सासाराम नगर निगम का पहला पूर्ण रूपेण नगर आयुक्त बनाया गया था, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत आते थे। इनके कार्यकाल में लगभग सब कुछ ठीक ही चला। अभी सभी पार्षदों और मेयर ने नगर निगम को ठीक से समझना शुरू ही किया था कि काजल कुमारी के लिए बाधा बन गए नए नगर आयुक्त अतेंद्र कुमार पाल, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। सत्य प्रकाश शर्मा के जाने के बाद नव गठित सशक्त समिति और मेयर के लिए सब कुछ अब आसान नहीं रहा। एक तरफ नए नगर आयुक्त अपने प्रशासनिक दांव पेच से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, उधर मेयर साहिबा अपने पावर के इस्तेमाल में। वही दिनों से चली आ रही अंदरूनी अनबन ने महीनों दिन पहले ही सार्वजनिक रूप ले लिया और मेयर साहिबा नगर आयुक्त की तानाशाही को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी, जिसमें आरोप लगाया गया कि साहेब किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, जनता के कामों को छोड़कर सिर्फ अपने ऐसो आराम पर ध्यान देते हैं, जिसमें नई गाड़ी लेने और 5 सितारा कार्यालय का भी मामला सामने आया था। नगर आयुक्त के बीच रार शुरू हो जाता है, जिससे नुकसान शहर के भोले भाले नागरिकों को होना शुरू हो जाता है। मेयर काजल कुमारी के अनुसार नगर आयुक्त साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, जिसको लेकर मेयर काजल कुमारी ने जनता से सीधा संवाद शुरू कर दिया, जिसका नाम दिया गया नगर निरीक्षण। इस नगर निरीक्षण कार्यक्रम में मेयर ने लोगों को साफ शब्दों में संदेश देना शुरू कर दिया कि नगर आयुक्त साहब जो है वो काम करने नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने विभागीय कार्रवाई जो है वो शुरू कर दिया है। नगर आवास विभाग से लेकर मंत्री जी तक को चिट्ठी लेकर अवगत करा दिया गया है कि नगर आयुक्त बोर्ड के कामों में अड़चन डाल रहे हैं। सीधे तौर पर यह संदेश दिया जाने लगा कि अगर नगर आयुक्त काम नहीं करने देंगे तो बोर्ड उनको जेल भेजने की तैयारी में है। जो सफाई एजेंसी पहले से कार्यरत है उसके भी कार्यकाल को लेकर मेयर और आयुक्त आमने सामने है। आयुक्त ने कार्यकाल बढ़ा दिया तो मेयर ने उस पर 40 लाख के करीब जुर्माना ठोक दिया, जिसका प्रचार प्रसार भी खूब किया गया। इन सब के बीच अगर किसी को हानि हो रहा है तो वो है सासाराम की भोली भाली जनता। बरसात का समय है और पहले से सासाराम कैसे इसको झेलता आ रहा है हम और आप भूले नहीं है। 2 दिनों के बारिश में ही सासाराम का सूरत बदलने लगा है। शहर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां जल जमाव नहीं है और इन परेशानियों से निजात पाने के लिए ना नगर आयुक्त पास कोई एक्शन प्लान है और ना ही इनके पास कोई मशीनरी है जिससे आने वाले दिनों में बरसात के कहर से शहर को बचाया जा सके। अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए शहर के आम लोगों की तरफ से हमारी गुजारिश नगर आयुक्त और मेयर दोनों से है कि आप दोनों आपस में चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन शहर के लोगों को आने वाले बरसात के कहर से बचा लीजिए। अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो शहर का बदलाव करिए, सिर्फ आश्वासन मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।